Hi guys, welcome to new vlog. I'm all set. It's kind of surprise place जो कि हैरी ने डिस्कवर किया है. पिज्जा एंड मी इज रेडी और सामान भी तैयार है. लेट्स गो. तुम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शहर के शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में. ये ट्रैक ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सोनी तो मेरे साथ हर जगह चली जाती है, पर इस बार उसकी जिद थी कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां हम पिज्जू को भी लेके जा सकें. आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो इन सब के लिए एक सरप्राइज है क्योंकि वो मैंने देखी है, मैंने ढूंढी है और अब मैं आज इन सब को वहां लेकर जा रहा हूँ. शहर की भीड़ भरी रोड को छोड़कर हम आ गए हैं गांव की कच्ची सड़क पर. हाँ, सड़क पर कुछ भी बोलो, है तो बहुत सुंदर. ऑफ राइडिंग का अपना ही एक मजा है. बस कुछ ही देर में हम होंगे उस जगह पर जहाँ हम अपनी गाड़ी को करेंगे खड़ी और चल पड़ेंगे पगडंडियों से होते हुए अपनी मंजिल की ओर. हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं. अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान हैं. अब क्या करें, शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां. पिज्जू देख, पिकू. He is so happy and excited. You can see the joy on his face. घूमने में तो खुश रहता है वो. घूमने में तो खुश थे रहा वो. ये दोनों इतना तेज भागते हैं कि इनको रोकने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है. और बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये इतना सुंदर ट्रैक है, इतना रमणीय रास्ता है कि आप नेचर के नजारों में खो जाएंगे. करा नहीं था मैंने. ब्यूटी विद ब्यूटी. ये दिस इज द नेचर. यहाँ पर नेचर कम दिख रहा है, आप दोनों ज्यादा दिख रहे हैं. बहुत मजेदार ट्रैक है ये. और ये ट्रैक हल्द्वानी के इतने नजदीक है कि आप यकीन भी नहीं मान सकते हैं कि हल्द्वानी के नज़दीक कहीं इतना सुंदर ट्रैक होगा. ये देखिए, ये रास्ता है पूरा. ये देखिए, बिल्कुल पगडंडी सा रास्ता है, बहुत बढ़िया जगह है. ये देखिए, हम वहाँ से आ रहे हैं और अब हम ये यहाँ को जाएंगे. देखिए ये पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको दिखेगा, ट्रैक के एंड में जो हमने डिसाइड किया हुआ है जहाँ तक जाना, वहाँ पर क्या ब्यूटी है वो आपको अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगी. देखिए पानी की आवाज़ आ रही है. बहुत सुंदर जगह है ये, पूरी घाटी सी है. देखिए सामने पहाड़ दिख रहे हैं. बहुत
बहुत ही सुंदर जगह। ये आ रहा है बहता हुआ पानी ऊपर से, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। देखिए ये घाटी है, और एक्साइटमेंट में पिज्जू और मम्मी दोनों ही कुछ ज़्यादा तेज चल पड़े, और आप देखिए दोनों यहाँ रुककर हमारा वेट कर रहे हैं। अब उसकी बहुत ही सुंदर जो है जलप्रपात, क्या वो खूबसूरती आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सिख लाओ ना, यहाँ पर पी ले, ले चल साहब, बस तूने मेरे मन की कर दी। ये पिज्जू का पहला एक्सपीरियंस है कि वाइल्ड में ऐसे उसे पानी पीना पड़ रहा है, वरना उसे अपने बर्तन में ही पानी पीने की आदत है। ये इसमें पीता है तो जाना पौंड जैसा, ये यहाँ पर हो रहा है ना। हाय हाय हाय, पूरा उतार दिया तुमने, गहरा है वो, कपड़े भीग गए। हम जहाँ भी जाते हैं उसके बर्तन लेकर चलते हैं साथ में, तो आइए लेकर चलते हैं आपको उस खूबसूरती के पास। वाओ, पहुंच गए क्या हम? हाँ जी, यही है आपका सरप्राइज। वाओ जाना, ये तो बहुत सुंदर है। है ना, मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मैं खो ही गया था इसको देखकर। सच में यार, ये तो बहुत ही औसम लग रहा है। आशीष बेस्ट यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं, और वो लगे हैं अपनी कलाकारी दिखाने में यहाँ पर। ये है वो ब्यूटी, ये देखिए। उसको वही जान, उसको वही हो रहा था कि कोई जाएगा तो मैं, क्योंकि डांट खा चुका है वो एक बार। एक बार डांट खाने के बाद सोच, हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैंने अलाउ किया है, मैंने अलाउ कर रखा। मुझे तो पसंद, तुझे पानी पसंद है। तो ऐसे लैंडस्केप में नहीं, इनमें तो ऐसे नहीं, ऐसे बना दे, ऐसे तो था वो, मैं ऐसे ही रखना। रिज्यूम करना है इसको, रिज्यूम फोटोज में या वीडियो में। दोस्तों एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसकी खूबसूरती पूरी तरह दिखा सकूँ। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जो मेरी आँखों को दिखाई दे रहा है वो इस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। बट फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसे पूरी तरह देख पाएँ। तो लीजिए आनंद इस प्राकृतिक झरने का।
pictures to this place. Wow, it's amazing. यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया और बहुत मजे किए। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जान। ये लाइन मैंने अपनी सैनी के लिए नहीं बोली है, ये है मेरा प्रकृति के प्रति प्रेम। मैं जब भी प्रकृति के पास आता हूँ, इसकी गोद में आता हूँ, तो मैं खो सा जाता हूँ। ये ऊंचे पहाड़, ये नीला आसमान, ये हरे भरे जंगल मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। ये ट्रैक इतना फैमिली फ्रेंडली है कि हमारी माताजी कम चल पाती हैं, मगर उन्होंने भी ये ट्रैक को बहुत एंजॉय किया और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। खूब सारे लाना वो घास। ये स्टंट करते हुए ऊंचे ऊंचे वाले, इसमें जिसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा ज्यादा है। सांप आ गया तो हम डरते नहीं है सांप से। आगे मत जाओ, शक्ल भी दिखाओ मिस्टर मक्चुआरी। पिजू नाना खादे अभी हूँ। आज मैंने कुछ और भी मांगा होता। इसे उठा दे भैया, भैया उठा दे इसके कपड़े। थैंक यू, इतने सारे हाँ सब रख सकते हैं, गमलों में लगाते तो है। वैसे वाला थोड़ी खाली डेकोरेशन के लिए। अब मिस्टर मक्चुआरी शायद जंप मारने के मूड में है। इन बेल ने जंप लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। और ये लगाई इन्होंने जंप बहुत टाइम बाद। वरना एक दिन आपको याद होगा फ्लाइंग हैरी। थैंक यू। भेजो रुको। आई एम मोर हैप्पी नाउ क्योंकि इनको मोर पंख मिल गए। आई लाइक इट। आज तो मुझे इतने सारे मिल गए और दिन तो सिर्फ मुझे एक मिलता था। आज मैं इतने सारे अपने घर ले जाऊंगी। एक सब्सक्राइबर ने मुझे मिस ओवर एक्टिंग कहा है, ये उसके लिए है कि मैं मिस ओवर एक्टिंग नहीं हूँ, मैं मिसेस ओवर एक्टिंग हूँ। अब हम चल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो आपको दिखेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास, तो कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग।